हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रंजीत फिश फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग जो है तालाब पर ही दाना बनाते हैं। तो उसी दाना में से जो है दोस्तों, हमने एक छोटा सा गोला टाइप का बनाकर और उसको जो है पानी में फेंकने वाले हैं कि क्या वो तैरेगा या नहीं तैरेगा। कम से कम उसको 2-3 दिन तक सूखने के लिए रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाएंगे कि क्या सच में ये जो है दाना ऊपर की ओर तैरता है या नहीं तैरता है। तो चलिए, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा मछलियों का दाना, और चलिए इसको अब हम थोड़ा गोल बनाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से जो है हम थोड़ा गोल बनाते हैं और इसको जो है पानी में ट्राई करेंगे फेंक कर क्या ये तैरता है या नहीं तैरता है। अगर तैर जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा मछलियों को खाने के लिए भी। तो ये अच्छे से इसको गोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो है अभी हो चुका है, इसको और अच्छे से करना है मुझे। तो ये फाइनली जो है अच्छे तरीके से गोल हो चुका है। तो इसको चाहे तो हम छोटा छोटा भी बना सकते हैं। छोटा छोटा बनाने में दोस्तों मतलब उम्मीद है कि वो तैर पाएगा, बट ये बड़ा जो है अभी देखते हैं बनाकर, शायद हो जाए तो सही है, नहीं तो इसको छोटा छोटा ही बनाकर दूसरे वीडियो में हम दिखाएंगे कि तैरेगा या नहीं तैरेगा। फिलहाल इसी को जो है अभी हम करते हैं। तो इसको लगभग 2-3 दिन तक हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, 1 दिन बाद इसको हमने उठाया है। 1 दिन में जो है इतना सूख गया है, अभी पूरे तरीके से नहीं सूख पाया है। देखने में ही लग रहा है कि अभी पूरे तरीके से नहीं है सूख पाया है। तो इसको अभी 1-2 दिन और रखेंगे। मुझे तो कम ही ऐसा लगता है कि ये शायद तैरेगा, क्योंकि इससे अगर छोटा छोटा रहता, छोटा एकदम से बिल्कुल छोटा छोटा अगर करके बनाए रहते गोल गोल, तो शायद तैर सकता था। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो ये दोस्तों जो है मेरा 3 दिन कंप्लीट हो गया है। ये तालाब का ही छत जो है उसी पर रखे थे, रूम वाले छत पर। तो ये तकरीबन 3 दिन हो गया है और ये थोड़ा बहुत हल्का हो गया है, बट देखते हैं अब क्या होता है। तो फाइनली जो है आज दोस्तों जो है हम इसको तालाब में फेंकने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये सही में डूब जाएगा या तैरेगा। मुझे तो कम ही ऐसा लगता है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है हाथ में लेने से कि भारी लग रहा है। तो कोई बात नहीं, फिर भी इसको फेंक कर देखते हैं। तो अब हम इसको हाथ से छोड़ने वाले, ये देखिए गया तालाब में और ये जो है डूब चुका है। मुझे पहले भी मालूम था कि ये डूब ही जाएगा, क्योंकि जो है हम बहुत बड़ा ही इसको बना लिए थे। अगर यही छोटा छोटा रहता तो शायद नहीं डूबता। तो फिर भी कोई बात नहीं, आगे चलकर छोटा छोटा बनाएंगे गोली और उसको फेंक कर ट्राई करके देखेंगे। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक था। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।